Hello and welcome to the last episode of Tanmay Reacts of 2020. That's right, the year is getting better. This is the last episode. So many of you have been saying, Tanmay, please do an episode on food. Tanmay, hume khane ke bare mein discuss karna chahiye. Okay, fine. A lot of you didn't ask, but I want to do food, okay? This is my show. And who better to discuss food with than none other than my biggest arch rival. The only person who's a greater chef, All India number one conqueror, chief chef, master chef, Akshay Kumar of Bhujia, is none other than Kavita's Kitchen. Hello. Welcome, welcome, welcome. How are you feeling today? Great. Are you excited? Very much. Aaj hamara food special hai, and I thought who better to invite Asia number 2 All India conqueror, Kavita's Kitchen. So chaliye, let's just start into it. I can't wait to watch all the best food titles on Netflix. Let's begin the episode. A documentary called Street Food. It not only takes us back in history, but it's also a way of carrying forward traditions. Potato chaat, aloo chaat. All the different people who came here over the years brought their own food with them. We not only adopted it, Jallad jalebi bhai. It to be our own. Do you like street food? Of course, everyone likes street food. Yeah. Jab tak bhel, puri, aloo, चाट पसीना सब साथ में मिल नहीं जाता ना तब तक मजा नहीं आता है खाना खाने का. पानी पूरी वाले का हाथ देखे हो कभी आप? और ये खाने की वो खास बात है ना, जितना ज्यादा उसके अंदर तेल हो, बटर हो और यू नो मसाला हो, उतना ज्यादा टेस्टी करता है. आई थिंक मैं रस्ते पे पड़ा हुआ भी कुछ भी फ्राइड मैं खा लूंगा क्योंकि वो फ्राइड है. लाइक आई थिंक मेरा वो वीकनेस है. आप कुछ भी तल दो मैं खा लूंगा उसे. तलने से याद है कि आपने वो आइसक्रीम पकौड़ा खाया है? ये भी काफी पकौड़ा मैंने खाया है. मैंने दो तीन बार खाया है. जिसने इनोवेशन किया होगा वो तो महान आदमी होंगे. आइसक्रीम पकौड़ा वो जिंदा नहीं होंगे अब तक. आई थिंक आइसक्रीम पकौड़ा जिसने इन्वेंट किया, this person is dead because you can't survive with that lifestyle. But I like the word. मेरे को पकोड़ा word बहुत पसंद है क्योंकि कुछ भी बन सकता है. पकोड़ा can be of anything. Like आपने कभी sex right. पकोड़ा बनाया? ब्रेड पकोड़ा किसने लाया? ये पक्का इंडियन लोगों के. ब्रेड के साथ ये सब खुरापाती यही सब कर सकते हैं हम लोग. क्या चीज है ब्रेड पकोड़ा यार, मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरी लाइफ में मुझे ब्रेड पकोड़ा की जरूरत है. क्या अमेजिंग है. मुझे ट्राई करना है एक वीडियो, हम लोग साथ में करते हैं. वी मेक वड़ा पाव पकोड़ा. वड़ा पाव पकोड़ा मेरे को सीरीज चालू करने जहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग खाने को और तलता हूँ. मुझे बस वही. सो द फूड्स दैट वी ईट टुडे ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली go back in time. वैसे तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि खाना कहीं से तो आया होगा ना. खाने का हिस्ट्री पता है आपको? लाइक मैंने सुना है कि समोसा इंडिया का नहीं है. हाईला ये तो मेरे को भी नहीं पता था. और ऐसा अपेरेंटली रसगुल्ला कलकत्ता से नहीं आया है. आई कीप हियरिंग दीस थिंग्स. तो कहा कि इंडिया में इतने लोगों ने इन्वेड किया कि सबका खाना आ गया है. इतना मैं कभी सोचता नहीं हूं. एग्जैक्टली प्लेट में आने से मतलब है ना, कहां से आया. आई डोंट थिंक सो मच. जब सीख कबाब खा रहा था पता है मुगलों ने ले लाया होगा. वाओ दिस सो हिस्ट्री. आई एम लाइक हरी चटनी किधर है और मेरा कांदा दो मुझे. डिड मुगल ब्रिंग कांदा विद देम? डिड दे ब्रिंग हरी चटनी विद देम? नो ना, दैट्स आवर्स. सो गिव मी दैट. द राजपूत, द मुगल एम्पायर एंड ऑफ कोर्स द ब्रिटिश एंड हूएवर केम ब्रॉट देयर फूड्स. इन्होंने कहा कि ब्रिटिश ने भी लाया स्ट्रीट फूड. ब्रिटिश ने क्या लाया? मतलब मैं तो यूके में थी तो वहाँ पे बर्गर ही खाती थी और कुछ मिलता ही नहीं था. तो दूसरे देशों में स्ट्रीट पे 4 करोड़ लोग नहीं होते ना, तो उनका वो एक एडवांटेज होता है कि वहाँ पे वो लोग रेस्टोरेंट लगा सकते हैं जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो. यहाँ पे 4 लोग डब्बा लेके सूखा पूरी के लिए रुके नहीं होते यहाँ पे रस्ते पे रहे. चाइना ने तो इन्वेड नहीं किया ना, तो हम चाइनीज खाने की इतनी क्यों मारते हम लोग? चाइना ने क्या बिगाड़ा था हमारा? बस ये लाइन आप पब्लिक प्लेस पे बोल के देखिए कि चाइना ने क्या बिगाड़ा है. हैव यू एवर ट्राइड मेकिंग चाइनीज भेल? यस एंड आई लव चाइनीज भेल. प्लीज लीव दिस कॉल इमीडिएटली. भरोसा है. ओह माय गॉड, वो ग्लव्स पहना है आपने? देख, ओह ग्लव्स टोल पे आए तो मैं चाहता हूं कि वो कस्टमर खुश हो जाए. भूख लग गई भाई. खुशी लाना बहुत अच्छा होता है. वो जो बड़ा तवा होता है ना स्ट्रीट फूड का, एकदम अनाथालय जैसे नहीं लगता है वहां पे? मतलब कुछ भी डाल दो आप, कुछ भी डाल दो उसके अंदर. 10 मिनट के लिए आप कुछ ऐसे ऐसे करोगे उसके अंदर और वो एक बड़ा सा कुछ ऐसे खटखट 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 होगा तो कुछ ना कुछ तो निकल आएगा. उसके अंदर भुर्जी बनता है,
पाव भाजी बनता है, मसाला पाव बनता है, मसाला पाव बनता है, बिरयानी बनता है, सब कुछ बनता है उसके अंदर। तू गुड है वो। ये इस टाइप की बिरयानी आपने कभी खाई है लाइन लगा के? नहीं, मैंने कभी इतना मतलब लाइन में खड़े के बिरयानी नहीं खाया। इससे मेरी पूरी नवीद के साथ दोस्ती इसीलिए है कि जब भी जरूरत होगा नवीद बिरयानी आगे कर देंगे। हाँ, नवीद विल अरेंज फॉर बिरयानी इन केस इट इज रिक्वायर्ड। बिरयानी का एक्चुअली वो है, बिरयानी में दो तीन क्वालिटीज है जो बहुत ही मतलब मेन मसाला राइस वो अलग, ठीक है वो तो ठीक है, उससे पेट भरता है, पर बिरयानी के ऊपर एक तो वो जो फ्राइड अनियन होता है, फ्राइड अनियन, हाँ। मेरे को सिर्फ वो अलग से चाहिए, एक किलो सिर्फ फ्राइड अनियन चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं भी जब बिरयानी बनाती हूँ तो वो मतलब फ्राइड अनियन करने के बाद उसको खाती रहती हूँ, जब तक बिरयानी पकता है तब तक थोड़े से बोल में रखी। तो बिरयानी आता वही ओवल शेप के पैकेजिंग में, राइट, उसमें हमेशा जब आप कवर खोलते हो ना तो उल्टे साइड पे फ्राइड अनियन रहता है यहाँ पे, जो मैं गारंटी चाट के खाता हूँ हर बार, वो जाने नहीं देता हूँ मैं। और दूसरी चीज की जब वही डब्बे में जब खाना खत्म होता है तो एंड नीचे तेल रहता है, तो मैं थोड़ा मसाला बचाता और नीचे तेल में चावल डाल के, आपको जज करना आप जज कर सकते हो, मेरी भूख नहीं जाने वाली। मेरे को लगा प्याज खाने तक तो ठीक है, लेकिन लास्ट का गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ, राइस प्लस दिस ऑयल एंड लिटिल बिट ऑफ मसाला, टू गुड। नवीन, ओह वाओ, स्पाइस्ड वाटर बॉल्स। अच्छा आप देखो, आप एक बात देखो कि ऐसे पानी पूरी अगर ऐसे फूल उल के साथ या अनारदाना डाल के रखा जाए तो मजा नहीं आएगा, ठेला वाला जो गंदे तरीके से बनाएगा ना, मजा आएगा। ये फील नहीं आ रहा है पानी पूरी का, ज्यादा हाइजीन है इसमें, ये क्या है? नेक्स्ट टाइटल इज कॉल्ड राजा रसोई। गुलाब सकरी जयपुर की पुरानी मिठाइयों में शुमार है, इसको बनाने के लिए कारीगर भी स्पेशल रहते हैं। तो जो घर का बना हुआ मावा होता है उससे तैयार की जाती है, पिस्ता और केसर इसमें डाला जाता है, उसी से इसका स्वाद और शोभा बढ़ती है। मेरे को लगता है कि पुणे में ऐसा फज जो होता है ना, फज आपने खाया है? हाँ, उसका ही वेरिएशन फज है शायद, मतलब इतना वो लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि रिच हिस्ट्री और आपने उसको बोल दिया ये फज है। ये क्या है? तमिल ब्राह्मण घरों में सूरज नहीं उगता जब तक डिग्री कॉफी की महक रसोई से सारे घर में ना फैले। और ये एक रिवाज सा बन गया है कि जो भी चेन्नई जाता है अपने साथ कॉफी जरूर लाता है। आप चेन्नई गए थे तो लाए थे कॉफी? मैं दूसरों के घर में उतना ख्याल नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है बाकियों को खुश करना, मेरी खुशी सिर्फ मेरी खुशी में है। When you think of Indian food, you think chicken tikka masala, you think the naan bread. जब कोई नान ब्रेड बोलता है ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है किसने मेरे पूरे खानदान को इंसल्ट किया है। It's just naan. Bread square. You know वो चाय टी लाटे, ये क्या है? ये क्या है? चाय टी क्या है? Are you dumb? हमारे यहाँ भी एक दुकान है, उस परफ्यूम का दुकान है, उसका नाम है खुशबू परफ्यूम। Chicken tikka masala symbolizes Indian food, no? I love my chicken tikka masala. It was not even Indian. So this was a British invention. Even the naans, the breads, they're not Indian. Oh. We portrayed. अभी आपकी शिकायत दूर हो गई। अब मेरे कोई problem नहीं है। तुमको naan bread जो बोलना है बोलो। The nut bag, which most people tear. Ah, let me eat the nut. No, edible plastic bag. Just put in the mouth and it gives edible you an explosion. Plastic. Wow! Edible plastic bag. मेरे को चाहिए plastic bag पकोड़ा अभी। If you take my menu of 23 courses, you're getting to think. And once you make them think, they understand that Indian food can be incredible. I couldn't recognize anything he had made, except for the curry and the naan. And he's right, I think. हमारे यहाँ ही इतना खाना है कि हम ही भूल गए कि क्या क्या ही मिल सकता है यहाँ पे। These flowers, these are edible, this is edible, this is edible. सिजर से ढोकला कटते हुए देख के मजा ही अलग है भाई। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। इंजेक्शन से पानी पूरी। ओह, आउट ऑफ स्पेस एंड टाइम। आई वाज हेलुसिनेटिंग फूड। सो आई सर्व समबडी अ फॉर्म एंड ही थॉट व्हाट इज दिस? विम बार प्रॉन। लिसन बॉम्बे। सो वन डे आई गॉट ड्रंक। आई हैड अ बैड डे विद माय बॉस दैट मॉर्निंग, माय एग्जीक्यूटिव शेफ। आई वेंट टू अ पार्टी, ड्रंक, टोटली ड्रंक। And then, my friends, they all ganged me up and said, you should have a restaurant. Like, we go to Gianni's, we go to Giovanni's. You should have a restaurant called Gagan. Oh, ho, ho, ho. So at 1 o'clock at night, I called my partner, Rajesh. I said, I want to do this restaurant. I want you to be the partner.
He said, no, no, let's talk this tomorrow morning when you're sober. You're drunk. You say yes or say no. Now. Wow. थी शराब के दुतने गगन ने ये भी सोचा कि मैं ढोकले को सीजर से काटूंगा एक दिन। इससे पता चलता है कि अगर आपको कुछ बिजनेस आइडिया चाहिए तो you have to drink। मैं भी करके आपको फोन करूंगी। No Kavita, not tonight. सुबह बात करते हैं। No, it's either yes or no right now. Right now. I get butterflies in my stomach. Fried onion Zindabad. Oh my God. This is the most tempted I've been during this whole episode. आप बिरयानी ऑर्डर करते हैं तो सिर्फ अनियन खाते हैं? ये बिरयानी में तो मैं सिर्फ ऊपर का लेयर ही खाऊंगा भाई. मेरे को इनफैक्ट अनियन कम लग रहा है. नहीं कम नहीं है? कम है, थोड़ा कम. थोड़ा कम है ना. हम बैठ के जज कर रहे हैं वर्ल्ड के टॉप रेस्टोरेंट्स को. नहीं मिक्स नहीं करना होता है. You're supposed to eat the top layer. Oh my God, biryani bigar diya yaar. Bigar diya. Yep. You had to eat one thing at Darjeeling Express. In my mind, it's got to be the biryani. My aim is for you to leave feeling like someone had embraced you. Hey, you said I want, when people leave, I want them to feel like someone embraced them. Then give more kanda, is what I'm saying. I want to embrace kanda. तो आप रेस्टोरेंट में अनियन बिरयानी ऑर्डर करते होंगे, है ना? I don't want chicken. आप बोला चिकन लेके जाओ, मेरे को सिर्फ प्याज दे दो ऊपर. चिकन बहुत ज़्यादा है सर. I don't want it. Alright guys, thank you so much for watching. If you enjoyed that, then make sure you hit like and subscribe to the Netflix India YouTube channel. और हम मिलेंगे अगले साल.